स्पोर्ट्स के मैदान से अब आपको खबर दें, सिंध प्रीमियर लीग 14 से 25 दिसंबर तक कराची में खेली जाएगी। इवेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। मजीद इस रिपोर्ट में। एसपीएल का मेला सजने को तैयार, इंतजामिया ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट के मैचेस 14 से 25 दिसंबर तक नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होंगे। कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लीग की इंतजामिया समेत मेयर कराची मुर्तजा वहाब, साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, शाहिद आफरीदी, शेब मलिक, मिसबाउल हक और अब्दुल रजाक ने शिरकत की। सदर एसपीएल आरिफ मलिक ने तफसीलात से आगाह किया। नासिर हुसैन शाह और मुर्तजा वहाब ने कहा कि इससे बेहतरीन टैलेंट सामने आएगा। जो टैलेंट है हमारे सूबे का, कराची से लेकर कश्मीर तक, वो सामने आए। मैं समझता हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक बार फिर आप अपने ग्राउंड्स को रिवाइज कर सकें और अपनी जो यूथ है, अपने जो यंगस्टर्स हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकें कि आइए एक बार फिर अपने ग्राउंड्स को आबाद करें। शाहिद आफरीदी और मिसबाउल हक ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया, जिससे नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां में आके वो अपने आप को शो कर सके। दूसरे सूबे हैं उनके लिए सिंध ने ये एग्जाम्पल सेट कर दी है कि वो भी अपने सूबों के अंदर इस तरह की लीग ऑर्गेनाइज करें। इवेंट में सिंध के मुख्तलिफ अजला से 6 टीमें शिरकत करेंगी। तकरीबन लीग खेलने वाली टीमों के ऑनर्स भी शरीक हुए।